गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एवरी वन। टुडे वी आर लर्न गोइंग सब्जेक्ट EVS यूनिट फोर्थ लेसन नंबर टू बोन्स ऑफ फैमिली। वी आर लर्न अबाउट दिस द बोन्स ऑफ फैमिली अबाउट द वेरी एक्टिविटीज विद योर फैमिली एंड गोइंग टू द other activities. Listen carefully. The parents take a lot of trouble their children's outstanding help to the habits, the moral stories, customs, festivals and experience. We learn these the lessons. Okay, so we are started. First of topics, our parents love us lot of. Hamare parents humse bahut pyar karte hain. They go to throw a lot of trouble for us. वो हमारे लिए जीवन में पूरा संघर्ष करते हैं। दे अवर वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंक अप अस। हमें अच्छे तरीके से जो जो चीज़ें चाहिए जो लाने का वो बहुत मेहनत से हमें काम करके हमें जो चीज़ें लाते हैं और हम काम हमारी जो चीज़ें होती हैं हमें पूरी करते हैं। द पेरेंट्स मदर एंड फादर वी आर लिविंग अवर फैमिली and your grandfather, grandmother, aunt, uncles, etc. with your family members, brothers, sisters also. Many takes care of the house as well as she cook for the family, she keep the house clean. Daddy also helps mommy in the household chores. Mommy take care of the family house as well. ज़्यादा से ज़्यादा काम घर की सारी जिम्मेदारियाँ मम्मी लेती हैं कामों की। शी कुक फॉर द फैमिली वो फैमिली के लिए खाना बनाने का काम करती हैं। शी कीप द हाउस क्लीन और सबसे महत्वपूर्ण काम और घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रहने का काम यह भी काम मदर करती हैं। डैडी ऑल्सो हेल्प्स द हाउस होल्ड केयर्स। हाँ उसके साथ साथ मेरे पापा भी कुछ फैमिली में कुछ हेल्प करते हैं जैसे ग्रोसरी लाना उनकी चीज़ों को साफ सफाई करना उसको अच्छे तरीके से काउंट करना उसको देख रेख करना मुझे थोड़ी बार हेल्प जैसे काम में से उनको फुर्सत मिलती है वैसे हेल्प करते हैं। ओके और पेरेंट टेक केयर ऑफ अस। हमारी पेरेंट्स हमारी बहुत सी जिम्मेदारियाँ लेती है हमारा बहुत देखभाल करते हैं। द प्रोवाइड अस टू विथ फूड हमें खाना देने का काम करते हैं। क्लॉथ्स एंड मील्स ऑल द डेली नीड्स हमारे बेसिक नीड्स हैं वो पूरा करते हैं। एंड मीट ऑल आवर फैमिली नीड्स दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ थिंग्स दैट वी नीड फॉर आवर एजुकेशन। नहीं जैसे हमारे फैमिली में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लाइक फूड क्लॉथ लिव एंटरटेनमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो एजुकेशन मुझे हमारे जो बेसिक नीड्स होते हैं वो हमारा पूरा करने का जिम्मेदारी ऐसा हमारे पेरेंट्स लेते हैं। हमें खाना देने का काम हमें अच्छे अच्छे कपड़े देने का काम अच्छे रहने रहने का तरीका हमें जो चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए जो चीज़ें खेलने कूदने के लिए लगती है वो चीज़ों का देखभाल नहीं हेल्थ का सुधा हेल्थ का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं और उसके साथ साथ हेल्थ आरोग्य के बारे में भी देखते हैं मेडिसिन के बारे में इतना ही नहीं और एजुकेशन बच्चों ने अच्छे पढ़ लिख के बहुत समझदारी से अपना जीवन बिताना चाहिए इसलिए वो एजुकेशन भी हमें अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। और पेरेंट्स टेक केयर फॉर द आउटस्टैंडिंग वी गो टू द गार्डन पार्क मॉल एंड बीच समटाइम्स वी गो टू फॉर मूवीज फॉर विजिट द सर्कस। मैंने बोला आपको कि एंटरटेनमेंट यानी हमें अच्छे तरीके से मनोरंजन की दृष्टि से क्या करते हैं पेरेंट्स तो हम का आउटस्टैंडिंग बाहर घुमाने ले जाते हैं इतना नहीं वो गार्डन में लेके जाते हैं पार्क ले जाते हैं मॉल लेके जाते हैं बीच घुमा लेते हैं समटाइम्स वो तो मूवीज ये विजिट चले जाते हैं ये अपने बेसिक्स नीड्स हो चुके हैं एंटरटेनमेंट तो उसके साथ हमें एंटरटेनमेंट देने का प्रयास अच्छे तरीके से हमारे पेरेंट्स करते हैं और पार्क में लेके जाते हैं मॉल यानी बहुत भी बहुत बिग सिटी में घूमने लेके जाते हैं बीच यानी समुद्र किनारे लेके जाते हैं कोई टाइम हमको तो अच्छे तरीके से हॉल बहुत बड़ा सिनेमा हॉल में देखने के लिए लेके जाते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक्स है पेरेंट्स टेक केयर ऑफ व्हेन वी आर सिक
नहीं देखो मैंने बोला हेल्थ, आ गया टॉपिक हेल्थ। हेल्थ के बारे में भी हमारी सारी जिम्मेदारियाँ वो लेते हैं, कुछ बीमार हो गए तो हमें देखभाल अच्छी तरीके से करते हैं। द ट्रेन अस टू फ्रॉम गुड हैबिट्स, इतना ही नहीं अच्छी अच्छी आदतों की भी हमें वो सलाह देते हैं और अच्छी तरीके आदतें हमें देने का प्रयास करते हैं। गुड हैबिट्स लाइक जल्दी उठना, बड़े से अच्छी तरीके से बात करना, उन्हें रिस्पेक्ट देना, उनके कामों में हेल्प करना, सब अच्छी अपनी बॉडी स्वच्छ रखना, अच्छी तरीके से करना, ऐसे लाइक दिस उनका काम करते हैं। वह ग्रैंड पेरेंट्स शो अ लॉट ऑफ द अफेक्शन टुवर्ड अस, दे टेल अस द मॉरल स्टोरीज ऑफ फेस्टिवल्स कस्टम एंड देयर ओन एक्सपीरियंस। हमारे ग्रैंड फादर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सो लॉट ऑफ द अफेक्शन टुवर्ड अस, उनके एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। दे टेल अस द मॉरल स्टोरी, अच्छी 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 कथाएँ सुना जाती हैं हमें, और फेस्टिवल्स यानी उत्सव सन उत्सव के बारे में बताया जाता है, कस्टम और देयर ओन एक्सपीरियंस, और उनके बारे जब उन्होंने वो उन चीज़ों से वो उत्सव से क्या सीखा है वो अपने साथ उनकी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं और बताते हैं। देखा आपने, तो बच्चों को अच्छा अच्छा लगता है। नेक्स्ट टॉपिक, अवर ग्रैंड पेरेंट्स लुक आफ्टर अस व्हेन वी आवर पेरेंट्स गो टू वर्क, दे ब्रिंग स्नैक्स फॉर अस। हाँ इतना ही नहीं देखो, नहीं जब हम हमारे पेरेंट्स जब कभी काम के लिए जाते हैं तो जब काम के जब पेरेंट्स घर आते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स या कुछ टॉयज, जैसे छोटे बच्चे के गर्ल्स होगी उनके लिए कुछ खेलने के लिए गुड़िया, या छोटे बच्चे कुछ खेलने के लिए ट्रेन्स एरोप्लेन्स एक्सेट्रा स्नैक्स, कुछ खाने के लिए केले के पेपर्स वगैरह पटाने पेपर्स खाऊ, ऐसे कुछ ना कुछ सामान हमारे लिए लेके आते हैं। ओके लास्ट टॉपिक, ऑल द फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट बर्थडे एंड फेस्टिवल्स, एवरी वन फील्स हैप्पी एंड देयर अ लॉट ऑफ लव अफेक्शंस अमंगस्ट द फैमिली मेम्बर्स। इतना ही नहीं तो हम अलग अलग के फेस्टिवल्स, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरीज, अलग अलग खुद फैमिली के साथ जाके बाहर जाके हम फेस्टिवल मनाते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर, ऑल फैमिली मेम्बर हम सारे फैमिलीज सेलिब्रेट बर्थडे मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, सन मनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली है, दसरा है, ईद है, क्रिश्चन से ऑल फैमिली मेम्बर्स से वो मनाते हैं। एवरी फील्स हैप्पी एंड देयर इज लॉट ऑफ लव, और एक दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं, अफेक्शंस अमंगस्ट टू द फैमिली मेम्बर्स, और अच्छी तरीके से बिताते हैं। एवरी चिल्ड्रन रिमेंबर्स वेयर लर्न गॉट अट पॉइंट्स द पेरेंट्स टेक अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द चिल्ड्रन। हर एक पेरेंट्स माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा चीज़ें देने के लिए पूरे जीवन में बहुत सा संघर्षमय जीवन जगते हैं। द पेरेंट्स मीट ऑल द नीड्स टू द टुगेदर, और जितना हो सके अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे रह से रहने का तरीका, हेल्थ, मनोरंजन, उसके साथ साथ एजुकेशन देने का प्रयास हमारे पेरेंट्स करते हैं। दे टेक केयर द चिल्ड्रन फॉर आउटिंग्स, इतना ही नहीं तो हमारे पेरेंट्स जो जो कुछ चीज़ें होती है उसकी बहुत सारी देखभाल करते हैं। दे हेल्प टू द फ्रॉम गुड हैबिट्स इन देयर चिल्ड्रंस, और उनको अच्छी आदत है किस प्रकार से फोकस की हेल्प हो सके वो करते हैं। द ग्रैंड पेरेंट्स टेल ऑल स्टोरीज ऑफ कस्टम फेस्टिवल एंड देयर ओन एक्सपीरियंस, इतना ही नहीं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके शेयर्स करते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर हमें हमारे साथ करते हैं, मॉरल स्टोरी बताते हैं, कस्टम फेस्टिवल बताते सन उत्सव बताते हैं। दे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन द पेरेंट्स गो टू वर्क, इतना ही नहीं तो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ काम करने के बाद फिर पेरेंट्स गो टू द वर्क जाते हैं तो आफ्टर चिल्ड्रन उनकी देखभाल कैसे करने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद देखिए ये जो टॉप ये पॉइंट्स है, जैसे लाइक द फर्स्ट एक्सरसाइज आपको रीराइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, पुट अ क्रॉस ऑन द रॉन्ग वर्ड, जिसमें से जो रॉन्ग होगा उसको आपको क्रॉस करना है। जैसे लाइक अवर पेरेंट्स गिव अस द बेस्ट स्वीट एजुकेशन, द एजुकेशन द स्वीट इज द रॉन्ग। ओके अवर पेरेंट्स वर्क हार्ड सो सेव मनी फॉर देयर ओल्ड एज टू ब्रिंक अप देयर चिल्ड्रन, जो जो कुछ चीज़ें आती हैं जैसे द रॉन्ग वर्ड है, फर्स्ट इज रॉन्ग। वो क्या है, पेरेंट्स वो हार्ड वर्क करते हैं किसके लिए, टू ब्रिंक
ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो हमारे बच्चों के लिए काम करते हैं अच्छे से। द डैड्स मीट ऑल द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रंस, द अंकल्स नहीं, पेरेंट्स मीट ऑल द अंकल्स, हमारे पेरेंट्स माता पिता। द पेरेंट्स हेल्प टू फ्रॉम गुड हैबिट्स इन द चिल्ड्रंस, बैड नॉट गुड हैबिट्स, आवर पेरेंट्स लव अस, निगलेक्ट नहीं करते, लव करते हैं। मैच द फॉलोइंग, माय फादर हेल्प टू द माय स्टडीज, ओके, माय मदर कुक फॉर द फूड, खाना बनने का काम करते हैं। माय ग्रैंड पेरेंट्स टेल अस द मोरल स्टोरी, माय यंगर ब्रदर्स प्लेस विथ मी, खेलने का काम, ओके। चिल्ड्रंस टेक केयर, बाय।